आज हम यहाँ पर जो बनाने वाले हैं वो सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो आज हम यहाँ पर बनाएंगे इंडियन स्टाइल में मसाला पास्ता। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी इंडियन फूड में आपका स्वागत है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। तो पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर एक पतीले में पानी रख दिया है, इसे गर्म होने देते हैं। तो इसे मैंने ढक दिया ताकि जल्दी गर्म हो जाए। तो हल्का सा पानी गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसमें उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पर उबाल आना शुरू हो गया पानी में, तो पास्ता डाल देंगे। तो पास्ता मैंने यहाँ पर 250 ग्राम डाल दिया है, फ्लेम को हाई पे रखा है। अब हम इसे पास्ता को पकने, यानी कि जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। ऑयल भी डाल देंगे, तो रिफाइंड ऑयल मैंने यहाँ पर एक चम्मच डाल दिया है। ऑयल डालने से क्या होता है कि पास्ता जो है वो आपस में चिपकेंगे नहीं। तो अब इसमें हम उबाल आने देंगे। तो इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 8 से 10 मिनट टाइम लग जाएगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस स्पैचुला से इस तरह से मिला लेंगे। तो आप बीच बीच में इसे एक बार चेक कर लें कि पका है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी जल्दी भी पक जाता है फ्लेम के हिसाब से। तो मैंने हाई फ्लेम किया है, तो लगभग 8 मिनट के बाद मेरा पास्ता जो है वो पक गया है। तो इसे मैंने चेक कर लिया है, एक बार आप इसे चेक करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि वो पक गया। अब स्ट्रेनर में डालकर हम इसके एक्सेस वाटर को स्ट्रेन कर देंगे। तो हमारा पास्ता जो है परफेक्टली पक गया है। इसमें हम ठंडा पानी डाल देते हैं। चेक करने के लिए आप किसी भी चीज से इसे काटेंगे तो ये तुरंत आराम से कट जाएगा, तब आप समझिएगा कि पास्ता जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन के ऊपर इसे रखा है ताकि जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। और इधर इस तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें हम डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं। अब इसमें हमें डाल देना है प्याज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस में, पतले पतले स्लाइसेस में प्याज को काट के रखा है। तो एक बड़े साइज का प्याज मैंने ले लिया, इसे डाल देते हैं। फ्लेम को मैंने लो किया है, लो फ्लेम पर हम प्याज को भून लेते हैं। इसका कलर हल्का चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे गाजर। तो यहाँ पर मैंने 2 गाजर लिए हैं, इसे इस तरह से काट कर रख लिया था, इसे भी डाल देते हैं। शिमला मिर्च भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 शिमला मिर्च लिया है, तो ये डाल देते हैं। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर होने तक पकाएंगे, यानी हल्का सा हमें इसे सॉफ्ट करना है। तो फ्लेम को मैंने लो किया है, लो फ्लेम पर ही हम इसे भून लेते हैं। एक बार फिर से हम इसे चला लेते हैं। इसे ज्यादा नहीं गलाना है, बस हल्का सा हमें इसे सॉफ्ट करना है। एक बार आप इस तरह से पास्ता बनाकर जरूर ट्राई करें, बहुत ही इजी है इसे बनाना और काफी टेस्टी बनकर तैयार होता है। नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या होगा, ये थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम जो है वो कम लगेगा नमक डालने पर। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। तो एक टमाटर मैंने इस तरह से काट कर रख लिया था, इसे डाल देते हैं। जब शिमला मिर्च और गाजर हल्के से सॉफ्ट हो जाए तभी टमाटर डालना है। तो यहाँ पर शिमला मिर्च गाजर जो है हल्का सा सॉफ्ट हो गया था, तो मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिए हैं। अब अच्छी तरह से इन सबको हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे और ढक देते हैं और इसे पकने देते हैं। तो यहाँ पर टमाटर जो है हल्का पक गया है, नमक मैंने इसके ऊपर से डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे टोमेटो प्यूरी। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर का यूज करके टोमेटो प्यूरी बनाया है, इसे डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने अभी मीडियम किया है, मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। प्यूरी को हमें थोड़ी देर पका लेना है।
अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो एक चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालने से टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे हम और थोड़ी देर भूनेंगे। तो यहाँ पर टमाटर पक गए हैं, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर का मिक्सचर। तो आधा चम्मच मैंने इसे डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस मसालों को पकने में ज्यादा लेट नहीं लगेगी क्योंकि ये भुने मसाले हैं। इसे भूनकर मैंने पीसा है तो ये जल्दी ही पक जाते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला। तो गरम मसाला भी मैंने छोटे चम्मच से आधा चम्मच ही अभी डाला है। मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। लाल मिर्च पाउडर भी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं आधा चम्मच। अगर आपको ज्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप ना भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें हम डाल देंगे पके हुए पास्ता, जो हमने पास्ता कुक करके रखा था साइड में उसे डाल देते हैं। तो अभी मैंने आधा ही पास्ता डाला है। एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं इस मसालों में, उसके बाद हम फिर से जो बचे हुए पास्ता है उसको भी डाल देंगे। तो अच्छी तरह से इसे हम मिला लेते हैं एक बार, इससे आसानी होगी। तो फिर से हम इसे पूरा पास्ता मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, लो फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि सारे मसाले जो है अच्छी तरह से कोट हो जाए पास्ता में। अच्छी तरह से इसे हम मिला लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं पाव भाजी मसाला। तो यहाँ पर जो मैंने पाव भाजी मसाला डाला है, इससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। ऐसे तो मार्केट में पास्ता मसाला मिलते हैं, मगर आप एक बार इस तरह से इन मसालों को डालकर पास्ता बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। अच्छी तरह से इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले जो है वो पक गए हैं और पास्ता जो है लगभग तैयार है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। आधा चम्मच से कम मैंने गरम मसाला डाला है क्योंकि पहले भी हमने गरम मसाला डाला है। तो अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और फ्लेम को मैंने लो किया है। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो ये थोड़ा सा मैंने बचा कर रखा था साइड में, इसे मैंने डाल दिया। अब इसमें हम डाल देंगे ग्रीन चिली सॉस। तो फ्लेम को मैंने लो किया है, लो फ्लेम पर अब हमें सॉस को डालना है। सॉस डालकर हम इसे ज्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। तो चारों तरफ से इस तरह से मैंने सॉस डाल दिए हैं। तो लगभग मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाला है। अच्छी तरह से मैंने उसे मिक्स कर लिया। अब इसमें सोया सॉस आधा चम्मच ही मैंने डाला, इसे मैंने ज्यादा नहीं डाला है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप सोया सॉस नहीं भी डाल सकते हैं। और लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी इसमें छोटे चम्मच से 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। जब हम पास्ता को उतारेंगे यानी कि गैस को ऑफ करेंगे, तब हम लास्ट में पाव भाजी मसाला डाल दिया मैंने। और आमचूर पाउडर एकदम आधा चम्मच से भी कम डालना है, उसे मैंने डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे टोमेटो केचप। तो अगर आपको इसे ज्यादा डालना है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग 2 चम्मच टोमेटो केचप डाल दिया है। अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे इसे। अब हम इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे, गैस को मैंने बंद कर दिया है और धनिया पत्ता ऊपर से डाल देते हैं। तो मसाला पास्ता वो भी इंडियन स्टाइल में बनकर तैयार हो गया है।
तो मैंने तो पास्ता बनाकर तैयार कर लिया, आपका बना रहे, जल्दी से आप भी इसे घर पर एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और कैसी बनी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।